हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ केसर लस्सी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ऐसे तो सभी लस्सी बनाते घर के अंदर, इसमें कोई नई बात नहीं है, पर एक बार मेरी तरीके से आप बना के देखिए, बहुत अच्छी बनती है। चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। सब में पहला हमें एक तपेली में 1 गिलास पानी ऐड करना है, और पानी गर्म होने देंगे। उसके बाद शक्कर ऐड करेंगे, 50 ग्राम शक्कर। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते, जितना मीठा पसंद करते उस हिसाब से डाल सकते हैं। केसर के धागे डालूंगी, और केसर के धागे डालने के बाद इसे हमें बहुत अच्छे से पका के लेना है। 1 गिलास का पूरा आधा गिलास कर देंगे हम, इतना पकाएंगे। और इसे इस मिश्रण को पूरा ठंडा करना है आपको, फ्रिज में रख के ठंडा करना है। देखिए, मिश्रण ठंडा होने के बाद आप दही लेंगे 1 कटोरी में। आधा किलो मैंने दही का इस्तेमाल किया है, और ठंडी दही लेना है आपको, और बीटर से बीट करेंगे। आप चाहे तो मिक्सी जार में डाल के भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। अगर मिक्सी जार में डालते होंगे तो फिर दही डालिए, और वो जो बैटर बना के रखा है शक्कर का, वो ऐड करके भी ग्राइंड कर सकते हैं। अभी मैं ये बैटर डाल दूँगी, केसर और शक्कर का। ये ठंडा करने के बाद ही आपको डालना है। देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है केसर का, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इसे बीट करेंगे। देखिए कितनी जल्दी से लस्सी बन जाती है। गर्मी के मौसम में तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे तरीके से। और अच्छे से बीट होने के बाद हम इसमें आइस क्यूब डालेंगे। कुछ धागे में निकाल दूँगी केसर के, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके से मिला देंगे। अभी आइस क्यूब आपको जितना ठंडा चाहिए उतना आप आइस क्यूब डाल सकते हैं, इस तरीके से। अभी मैं इसे ग्लास में सर्व करूंगी। पहले हम आइस क्यूब डालेंगे, ठंडा ठंडा इसे सर्व करेंगे। बहुत अच्छा बनता है ये ड्रिंक, और रमज़ान महीने में तो आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ज़्यादा प्यास भी लगती है। ड्राई फ्रूट डालेंगे थोड़ा सा, इसमें काजू पिस्ता मैंने कट करके रखी हूँ बारीक टुकड़ों में। अभी लस्सी ऐड कर दूँगी। देखिए हमारी लस्सी बन के तैयार है, बहुत जल्दी बनती है। और देखिए बना के एक बार मेरी तरीके से, और कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मैं हर रोज़ रेसिपी अपलोड करूँगी रमज़ान महीने में पूरा। और आप मेरी रेसिपीज बनाते हैं, पसंद करते हैं, तो मुझे इंस्टा में भी फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह कल मिलूँगी।